जहाँ राज है वहाँ कोई काम हो रहा है। तो बिहार के लोग गलित गलित पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो लोग सब समझते हैं, समझदार है, प्रचार प्रसार में लोग खर्चा कर रहा है, लोगों को मिल रहा है, जो राज्यों का हिस्सा है पैसा मिलने का केंद्र से मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया था। इस वक्त हम मौजूद है पटना के ज्ञान भवन में, जहां पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए कैसे नीतीश कुमार खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नव नियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और नीतीश कुमार मन से सीधा तमाम जितने नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं या मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जो नौकरी की बात की गई थी इस महागठबंधन की सरकार द्वारा, उसे कहीं ना कहीं बल मिला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ज्ञान भवन से, जहाँ पर तमाम जितने ब्यासगढ़ के मंत्री हैं, आफाक अहमद जो कि पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री हैं और तेजस्वी यादव हैं जो कि उपमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, वो सभी यहां मौजूद हैं और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जो नौकरी का वादा किया गया था, जो रोजगार का वादा किया गया था, वो पूरा करते दिख रही है ये बिहार में महागठबंधन की सरकार। जो वादा किया गया था 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का, उसे जमीन धरातल पर कैसे उतारा जाए। देखिए आज कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें कि रोजगार से संबंधित कई बड़े मुद्दे हैं। 20 लाख नौकरी रोजगार देने की जो बात की गई थी, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया था कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली होनी है, 60,000 पदों पर बहाली तो इसी साल होनी है। तो ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद है, नीतीश कुमार मौजूद है और सभी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो लाइव स्ट्रीम आपको दिखा रहा है, नौकरी और रोजगार देने के जो वादे किए थे महागठबंधन की ओर से, उसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जमीन धरातल पर उतारते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव ने खूब जमकर के निशान साधा है विपक्षी पर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सभी वर्गों के लोग हैं, एक एक बात को समझ करके रखिएगा और समाज में भी लोगों को समझाइएगा कि हम लोग बिहार में कैसा काम कर रहे हैं, नहीं तो वो तो देखते रहते हैं मोबाइल पर, सब चीज देखते रहते हैं तो पर देखते रहिएगा, अन्न वर्ण बोलता रहता है और हर कल तो हमको आश्चर्य होता है। अब तो लगता नहीं कि क्या पढ़ा जाए भाई, पहले इतना अखबार देखना सब कुछ, अब आज के लिए ही अन्न बढ़ाते रहता है कुछ, हम लोग अभी आज बोल दिया तो थोड़ा बहुत कर रहेगा, अब बाकी सब कुछ रहेगा समझ लीजिए। तो इसीलिए हम सब तो प्रचार प्रसार, आप लोग सब एकजुट होकर के अपने राज्य में जो काम हो रहा है आप समझ लीजिए, ये ऐसा ही नहीं है देश का, दुनिया का भी सबसे पुराना स्तर है ये लोग मान ले आज इसको बिहार में, तो है तो फिर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। कितना ज्यादा दुनिया में जो यहां पर आए हैं जिनको ज्ञान मिला है, कितना दुनिया को आगे बढ़ाए, एक एक चीज समझ लीजिए। तो अगर हम लोग को मौका मिल गया बिहार को ठीक कर देंगे, देश ठीक हो जाएगा और उसके बाद तो पूरे दुनिया पूरा इसका महत्व होगा, इसलिए काम करना चाहिए। खाली लोग प्रचार प्रसार में लगा रहता है, कौन काम करता है, कोई काम होता है? ऐसे ही कुछ लोगों को पकड़ने में लगा रहता है, इसको पकड़ो काम काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं। अच्छा जो लोग यहां बोले हैं कुछ बात, हम तो वहीं जाके बोलेंगे उनको जवाब, पहले कहा थे ये सब बता देंगे, एक एक बात हम बता देंगे। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, शुरू से भी हम कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल बोलते ही रहेंगे तो हम लोग भी बता देंगे कि क्या हालत कर दिया आपका। लेकिन भाई हम लोग तो काम तो अब एक मिलकर के काम करेंगे, आप लोग भी खूब तेजी से काम कीजिए, अपना काम कीजिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाइए और पूरे राज्य को आप आगे बढ़ाइएगा, यही मुझको पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है और हमको पूरा इस बात को लेकर के खुशी है। आज तो मैं आप सब लोगों का जिनकी नियुक्ति हुई है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सब बाकी भी जो खाली है उसको भी आप कुछ महीने के अंदर शुरू करके करवा दीजिए, आप फिर बुलाइएगा, फिर आएंगे और ज्यादा सब पढ़ेंगे और खूब पढ़ेंगे,
का कितना विकास होगा और कितना आगे हम लोग बढ़ जाए। तो हम लोग तो भाई इसी काम में लगे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने तो बता दिया दिल्ली वाले लोग क्या क्या करते रहते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, कर आज इतना डेवलपमेंट हो रहा, कहीं कोई समस्या लॉ एंड ऑर्डर का भी है जी? झूठ मूठ के बोलते रहता है यहाँ पर, तो जैसी जैसी बात ही लोग करते हैं और कहीं काम हो रहा है, इनका जहां जहां राज है वहां कोई काम हो रहा है, प्रचार प्रसार में लोग खर्चा कर रहा है, लोगों को मिल रहा है, जो राज्यों का हिस्सा है पैसा मिलने का केंद्र से मिलता है, ऐसे ही बोलते रहते। तो हम लोग तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए लगातार तो मुहिम चलाते ही रहे, हम ही लोग खाली बिहार के लिए नहीं, देश के जितने पिछड़े राज्य हैं सबको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, मदद मिलेगा और कितना विकसित हो जाएगा, और जब जो पिछड़ा राज्य है वो विकसित होगा तो आप समझ लीजिए अपना देश इतना विकसित होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राज्य देश बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कोई काम में पीछे हटे नहीं है, बखूबी से अपने काम के से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आगे हम लोगों को लेकर के चल रहे, हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे, लेकिन हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि परफॉर्म करके दिखाने का काम करें। तो जितने नए लोग जुटी करके आए उनसे यही उम्मीद करेंगे कि भाई ईमानदारी से जो ड्यूटी आप लोगों की दी जाती है उसको बेखूबी ढंग से आप लोग जो है निभाने का काम करें, और हमारा राज्य जो है पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, फिर भी इतने कम सोर्सेस की वजह से भी, रिसोर्सेस की वजह से भी हम लोग जो है इतना तेजी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से मांग करते रहे कि भाई बिहार जो पिछड़ा राज्य है उसको कम से कम विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, विशेष पैकेज जो है मिलना चाहिए। पहले केंद्र की जितनी योजनाएं होती थी लगभग आप देखिएगा 90% जो है केंद्र दिया करती थी, 10% जो है राज्य दिया जा राज्यों को देना पड़ता था, फिर बाद में आप हो गया है कहीं 60-40 हो गया, कहीं 50-50 हो गया, और आप समझिए कि बिहार राज्य जो राज है पिछड़ा राज्य, अगर हम इतना बोझ दे देंगे तो हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, तो हमको तो सहयोग की जरूरत है, और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि भाई जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप तो सब जानते ही हैं, आप लोग यहाँ बैठे, हम लोग लगातार शुरू से मुख्यमंत्री जी भी मांग करते रहे कि भाई बिहार को विशेष पैकेज दे दीजिए, जो घोषित किया हुआ प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आज देखिए 8 साल हो गया लेकिन हम लोगों को हम विशेष राज्य का दर्जा मिला, हम लोग भले ही विपक्ष में हम लोग रहे हैं, हम लोगों का भी मांग था क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति में विश्वास करते हैं, काम होना चाहिए, बिहार तरक्की करे, बिहार के लोगों का भलाई हो, इस काम में हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा अभी गृह मंत्री जी आए तो हम लोगों की बड़ा आशा कि भाई गृह मंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है बिहार के बारे में स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने जो पैकेज की घोषणा की थी उनकी भी पैकेज नहीं जो है वो करने में जो है अलग ही मैनिपुलेशन करने में लगे रहे, तो हम लोग तो सब लोग चाह रहे, हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार जो है तरक्की करे आगे बढ़े, लेकिन कोई सोचता है कि बिहार को जो है गलत गणित पढ़ा दिया जाए तो बिहार के लोग गलत गणित पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो लोग सब समझते हैं, समझदार है, तो आप सब लोग देखिएगा देश कितनी महंगाई चरम सीमा पर है, और लगभग जो गरीबों का जो आया है देश भर का, ये हमारा आंकड़ा नहीं केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि भाई देश भर में 53% जो है गरीबों का आय कम हुआ, देश भर में 53% आय जो है कम हुआ है, यानी 30 वर्षों में सबसे ज्यादा जो है इसमें लोगों के आय में जो है कमी पाई गई है। अगर हम सब लोग सही से आंकड़ा देखें, महंगाई देखें, तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है
कि लोगों को खास तौर पे जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, जो गरीब है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। उसके लिए जो करना होगा हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं ताकि गरीबों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनका भलाई हो, तभी जो है सारी चीजों की व्यवस्था जो है ठीक से हो पाएगी। तो हम लोग बड़े खुश है इस बात को लेकर। और हर एक नौजवानों का सपना होता है रोजगार पाना, नौकरी मिलना, और आज जो आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला है ये आप लोगों का सपना साकार हो चुका है। अब आप लोग जो है पीछे मत रखिएगा, ईमानदारी से आगे बढ़ करके काम कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत जो है आनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो होता ही गड़बड़ कर दे, अगर कुछ लोग गड़बड़ करेगा तो पकड़ा तो जाएंगे, इसलिए तो आप लोग सब लोग जान सारी चीजों की व्यवस्था है, निगरानी है, तरह तरह की अपराध शाखाएं हैं। तो आप सब लोग यही हम कहना चाहते हैं कि आज जब आप लोगों के चेहरे पे जब खुशी आई है तो उस खुशी को आप लोग जो आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, उसके चेहरे पे जो है आप लोग खुशी लाने का काम कीजिए। जो बिहार के गरीब है, जो किसान है, उनका प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने का काम कीजिए। तो हम ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 दिन से बधाई देते हैं कि आप इसी तरीके से लीड करते रहिए, और हम आपको वादा देते हैं कि हम लोग बखूबी ईमानदारी ढंग से अपने जवाबदारी का जो जिम्मेवारी मिली है उसका हम लोग निर्वहन करने का काम करेंगे। और फिर से मैं सभी यहाँ जितने अधिकारी हैं, मंत्री जी, पशु विभाग के, उनको भी हम बधाई देते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी के विषय पे आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके प्रधान सचिव, उनको भी बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, उनको भी बधाई देते हैं, दीपक जी को, हम सुभानी साहब को भी बधाई देते हैं, गोपाल जी को भी बधाई देते हैं, सभी लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। और मुझे पूरा वादा, पूरा हम निश्चित रहे आने आने वाले समय में जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग मिल करके पूरा करें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम हो रहा है। जो हम लोगों ने, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, लेकिन जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस चीज को हम बार बार करें कि और भी नौजवान जो तरस रहे होंगे कि रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी आपके सारे अरमानों को पूरा करने का काम करेंगे, जल्द ही ये शक्ति होने लगा है। तो आप सब उनको दिल से बधाई देते हैं। तो क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाया है, कार्यक्रम का समापन हो रहा है, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। एक तरफ जहां रोजगार दिया गया है, सरकार ने अपनी खूब पीठ थपाई है कि बिहार सरकार जो रोजगार और नौकरी का वादा कर रही थी वो नौकरी दे रही है, वहीं कुछ लोग तो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, क्या क्या होता है नीतीश कुमार ने, तो इसलिए क्या क्या काम ने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।